स्वागत है आपका ऑटो ड्राइव जिंदगी पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वॉक अराउंड देने वाला हूँ ऑफ द सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट। ये 2020 का स्कूटर है जिसमें कि आपको BS6 124 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको काफी सारे स्कूटर्स के रिव्यू दिए हैं, आपको एक्टिवा 125 BS6 का भी रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा ऑन द चैनल। आप जो है प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ दैट इज अबाउट द TVS जुपिटर BS6 2020 मॉडल, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रह सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, विच इज ऑटो रेव्स। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ विदाउट एनी मच ड्यू, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर, स्वागत है आपका ऑटो रेव्स हिंदी पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वॉक अराउंड देने वाला हूँ ऑफ दिस स्कूटर जो कि है सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट। ये 2020 का मॉडल है। इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टेड BS6 पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 124 सीसी का पेट्रोल इंजन है। और ये स्कूटर मुझे प्रोवाइड की गई है, दिस इज़ फ्रॉम स्नेहा मोटर्स। अगर आप नवी मुंबई से हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन बाइंग अ सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट, आप स्नेहा मोटर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर बेसिकली गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्कूटर। सो कुछ इस तरह का फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन द सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125। और काफ़ी एरोडायनामिक लुक देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, हेडलाइट्स जो है LED आपको यहाँ पे मिलते हैं, आपको DRL जो है वो भी LED ऑब्वियसली मिलते हैं, आपको सुजुकी बैज मिल जाएगा राइट इन द सेंटर यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन का स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको एक वाइजर भी दिया गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे वाइजर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे नंबर प्लेट का प्रोविजन दिया गया है। और ये है आपके इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स भी जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी एरोडायनामिक बनाए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको साइड में एक रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। और बाय द वे जो कलर देख रहे हो, ये मेटालिक मैट ब्लैक कलर इसको कहा जाता है। और ये सस्पेंशन जो है, यहाँ पे आगे आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा। ऑन द रियर आपको जो है स्विंग आर्म देखने के लिए मिलता है। सो कुछ इस तरह का फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलता है फ्रॉम द सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125। और यह है इस स्कूटर का साइड प्रोफाइल। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी एरोडायनामिक लुक देने की कोशिश की गई है जिससे कि आपको एफिशिएंसी बेटर मिल सके। और यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेक्स का स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। आगे जो है आपको डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे आपको डिस्क मिलता है। और जो टायर प्रोफाइल है दैट इज़ 1990-12। ये 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ऑन द बर्गमैन स्ट्रीट 125। यहाँ पे जो है फ्लोर एरिया जैसे कि आप देख सकते हो, नॉर्मल डिसेंट साइज़ का फ्लोर एरिया यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको नी एरिया आप स्ट्रेच कर सकते हो अपने पैर और चला सकते हो। और ये आपका साइड स्टैंड और मेन स्टैंड है। और जो क्वालिटी ऑफ फुटपैक्स है वो भी काफ़ी अच्छी है, फुटपैक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है यहाँ पे। और ये है आपका 124 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन जो कि बनाता है 8.7 PS की पावर एट 6750 RPM और 10 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है एट 5500 RPM। पीछे जैसे कि मैंने आपको बताया, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। पीछे जो टायर प्रोफाइल दिया गया है दैट इज़ 90-110। और यहाँ पर आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है ऑन द रियर। यहाँ पर साइड में आपको जो है बर्गमैन स्ट्रीट का बैज देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो ग्रैब हैंडल्स दिए हैं दैट इज़ ऑल्सो चंकी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ग्रैब हैंडल्स मिलता है। एंड दिस इज़ द रियर प्रोफाइल ऑफ द स्कूटर। यहाँ पे आपको सुजुकी का स्टिकर मिलेगा। और ये है आपका टेल लैम्प सेटअप। यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प देखने के लिए मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। और कुछ इस तरह का रियर प्रोफाइल आपको मिलता है। छोटा सा यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया गया है विच अगेन एड्स टू द विजुअल अपील। यहाँ पे आपको छोटा एक रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये है आपका एग्जॉस्ट। यहाँ पे एग्जॉस्ट पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कवर जो है काफ़ी अगेन एरोडायनामिक और शार्प एलिमेंट इसको देने की कोशिश की गई है। काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये एग्जॉस्ट, सो ये भी एक अच्छी बात है। और अगेन दिस इज़ द साइड प्रोफाइल ऑफ द स्कूटर। कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रॉम द बर्गमैन स्ट्रीट। यहाँ पे आपको बर्गमैन स्ट्रीट का बैज अगेन देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ग्लॉसी ट्रीटमेंट आपको ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट देखने के लिए अगेन मिलेगा। यहाँ पे दो स्टिकर्स दिए गए हैं BS6 का और SEP का। जैसे कि आप देख सकते हो, BS6 बता रहा है आपको कि ये BS6 स्कूटर है, SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस जैसे कि आपको बेटर माइलेज दे पाएगा स्कूटर, तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। और कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलता है फ्रॉम द बर्गमैन स्ट्रीट। इसकी जो सीट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और कुछ इस तरह के आगे का आपको कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक छोटा स्टोरेज स्पेस दिया गया है चाबी आपका की होल के बाजू में। और इसको जो आप लेफ्ट में घुमाएंगे तो आप अपना जो है सीट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको प्रोविजन भी दिया गया है जिससे कि आप की होल कम्प्लीटली क्लोज कर पाएंगे, विच इज़ अगेन
अ वेरी नाइस टच। यहाँ पे जो है आपको हुक दिया गया है जहाँ पे अपनी ग्रोसरी बैग्स आप टांग सकते हो, और यहाँ पे जो है आपको एक स्टोरेज स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला स्टोरेज स्पेस यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके अंदर ये जो स्टोरेज स्पेस है काफ़ी डीप दिया गया है, इसमें आप इजीली आपका मोबाइल फ़ोन रख पाएंगे। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, सो आप अंदर मोबाइल फ़ोन रख के उसको चार्ज भी कर पाएंगे, विच अगेन अ वेरी नाइस थिंग टू हैव। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको मिलता है इन द सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट, और कुछ इस तरह का हैंडल बार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है फ्रॉम द स्कूटर। यहाँ पे जो है यहाँ आपको इंजन किल स्विच दिया गया है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट फीचर टू हैव। यह आपका की होल जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे आपको बटन दिया गया है फॉर योर हाई बीम एंड लो बीम का, ये बटन दिया गया है। ये बटन आपके इंडिकेटर्स के लिए है, और ये है आपका हॉर्न। हॉर्न जो है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, डिसेंट साउंड करता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश और सुजुकी का स्टिकर मिलता है। यहाँ पे भी आपको एक पियानो ब्लैक टच दिया गया है, विच अगेन एड्स टू द विजुअल अपील। और ये है आपका MID, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। सो जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो कम्प्लीटली ऑल डिजिटल यूनिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिकेटर, चेक इंजन लाइट, और ये आपका सेट और ADI का बटन दिया गया है ट्रिप वगैरह के लिए। और ये है आपका वाइजर, यहाँ से जो है आप प्रेस करके, बटन प्रेस करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप ए, ट्रिप बी आपको यहाँ पे दिखा देगा। स्पीडोमीटर आपको जो है डिजिटल मिलता है, फ्यूल गेज और टाइम भी आपको डिजिटली दिखा देगा। यहाँ पे जो आप प्रेस करके आपका ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर रीडिंग जो कि आपका टोटल किलोमीटर्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख पाएंगे। आपको डिजिटल MID यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो बटन है ये आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो ट्रिप है उसको आप जो है ज़ीरो कर पाएंगे कुछ इस तरह से। सो ये बेसिकली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी इन द MID ऑफ द बर्गमैन। और यहाँ पे जो है ये आपको 21.5 लीटर्स का जो है अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कूटर में। यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट एड किट और आपका टूल किट साइड में रखा गया है। सो कुछ जितना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको फ्यूल लिट दिया है, यहाँ से आपको जो है पेट्रोल भरवाना है। आपको बाहर की साइड नहीं मिलता है, आपको उतर के जो है सीट को ओपन करना पड़ेगा टू फिल योर फ्यूल। और यहाँ पे जो है आप बेसिकली छोटा हेलमेट डेफिनेटली आराम से आप रख पाएंगे, हाफ साइज़ का हेलमेट, स्मॉल साइज़ का हेलमेट। सो कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाती है इन द बर्गमैन स्ट्रीट 125। सो गाइस कुछ इस तरह का स्कूटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा द बर्गमैन स्ट्रीट 125। मैं डेफिनेटली जल्दी कोशिश करूँगा आपको इसका एक डिटेल रिव्यू देने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक वार्निंग का स्टिकर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अच्छी बात यहाँ पे यह है कि आपको स्कूप्ड आउट यहाँ पे स्पेस दी गई है, जिससे आपको नी का जो स्पेस है उसमें काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पैनल दिया है जहाँ पे आप पैर स्ट्रेच करके आराम से जो है स्कूटर चला पाएंगे। सो स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है ऑन द बर्गमैन स्कूटर। सो कुछ इस तरह का इसका साइड प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिलता है, हेलोजन बल्ब बेसिकली मिलता है, टेल लैंप्स LED मिलते हैं आपको, और ये जो आपका इंडिकेटर है दैट इज़ अ हेलोजन बल्ब। और ये है स्कूटर का एग्जॉस्ट टिप, आपको जो एग्जॉस्ट पे है ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। और यह है इस स्कूटर का साइड प्रोफाइल, और जो फुट पैक्स की क्वालिटी है वो भी आपको जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको एक बार दिखा दिया है फुट पैक्स। सो यह है इस स्कूटर के फुट पैक सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं। सो गाइस दिस वाज अ डिटेल्ड वॉक अराउंड ऑफ द बर्गमैन स्ट्रीट 125 BS6। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।